प्यारे बच्चों, हमने अपना पांचवां पाठ जो एक कविता है पढ़ी। कविता का नाम है कैसे चलेगी। हमने कविता का पाठ किया, आपने इसको नोटबुक में भी लिखा है, इसका चित्र भी बनाया हुआ है और चित्र को रंग भी किया हुआ है, और आपने क्या किया है, शब्द अर्थ लिखे हैं। ये शब्द अर्थ हैं इस कविता के, आपने इसको लिखा हुआ है तथा इसको याद भी कर रखा है। कल हमने इसके मौखिक प्रश्न किए थे। मौखिक प्रश्न क्या था, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमें जितना हो सके रिवाइज करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सुना है ना? तो उसी तरह हम लोग इसको लगातार अभ्यास करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, तो हमें चाहे कविता हो चाहे कोई भी चीज़ हो याद हो जाती है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने मौखिक प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं? तो बच्चों, पेड़ छाया देने के लिए क्या करते हैं, वे खुद उनको धूप में खड़ा रहना पड़ता है। छाया देने के लिए पेड़ों को खुद धूप को सहन करना पड़ता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप सहकर कष्ट उठाते हैं। पेड़ हमें छाया देने को खुद कष्ट या धूप सहकर कष्ट उठाते हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। डालियों की तुलना किससे की गई है? पेड़ों की डालियाँ शाखाएँ बांस से की गई हैं। हमारी कविता में क्या है, पेड़ों की डालियों की तुलना बांस से की गई है। शाखाएँ डालियाँ टहनियाँ, हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, शाखाएँ हैं। तो पेड़ की डालियों की तुलना कविता में बांह से की गई है। बांह, तो ठीक है, इसमें आप लिखेंगे डालियों की तुलना बांह से की गई है। डालियों की तुलना बांह से की गई है। प्राणवायु क्या होती है? प्राणवायु जो प्राणों के लिए ज़रूरी होती है, प्राणवायु हम लोग इंग्लिश में इसको ऑक्सीजन कहते हैं। ईवीएस में भी आपने पढ़ा होगा, ईवीएस में ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, सबके प्राण चले जाएंगे। तो इसीलिए इस वायु का नाम भी हिंदी में प्राणवायु ही बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्राणवायु क्या होती है, प्रश्न क्या है, प्राणवायु क्या होती है, इसका उत्तर है प्राणवायु ऑक्सीजन होती है। प्राणवायु ऑक्सीजन होती है। आगे चलते हैं, लिखित प्रश्न भी हमने किए थे, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। लिखित प्रश्न हमको नोटबुक में भी लिखना है और हमको बुक में भी लिखना है। देखो बुक में स्पेस दिख रहा है, स्पेस बना हुआ है, तो हमें बुक में भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है। कॉपी मतलब नोटबुक। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? उत्तर है, पेड़ हमारी गंदी हवा, कोष्ठक में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। कल कराया था, याद आ रहा होगा आपको। उसी तरह ख प्रश्न है हमारा, पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? पेड़ धरती की मदद
कैसे करते हैं? तो लिखेंगे पेड़ बादल को बुलाकर धरती की मदद करते हैं। तो इसका उत्तर है पेड़ बादल को बुलाकर धरती की मदद करते हैं। अगला है पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी? प्रश्न है पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी? उत्तर है पेड़ों के बिना हमें प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। एक बार फिर से इसको देखते हैं बच्चों। प्रश्न है पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी? इसका उत्तर है पेड़ों के बिना हमें प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। तो ये बच्चों हमने ये कर रखा था, आज हमने इसका ज़रा सा रिवाइज करवा दिया। अब चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पे। ये अभ्यास प्रश्न है हमारे पाठ्स का, इसको हमें बुक पे ही करना है। क्यों? क्योंकि स्पेस दिया हुआ है, स्पेस इज गिवन। दिख रहा है आपको खाली जगह दिख रही है, उसमें ही लिखना है। हम किससे लिखते हैं? पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल से ही इसको लिखना है। पढ़ो समझो और लिखो, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छां अपनी। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पेड़ खुद धूप सहकर सभी को छां देते हैं। हाँ, तो मैंने बताया था बच्चों जब कविता लिखते हैं तो कवि बहुत दो तीन चीज़ साथ में लेके चल रहा होता है। सबसे पहला कि कविता का अर्थ हो, कविता से वो अपनी बात कह सके, कविता में लय हो, उसको गाया भी जा सके और उसका अर्थ भी आसानी से समझ आए। तो क्या करता है, शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं लय बनाने के लिए। कवि क्या करते हैं, जब कविता लिखते हैं तो कविता के शब्दों को आसान रखते हैं, उनको आगे पीछे करके एक लय बनाते हैं। जैसे इसमें क्या बनाया हुआ है, ध्यान से देखो जरा, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांव अपनी। तो इसमें देखने में लगता है कि आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन हमें मतलब समझ आ जा रहा है। कभी इसका भी ध्यान रखता है कि लय बनाने के चक्कर में कहीं मतलब तो नहीं गड़बड़ हो जा रहा। अगर मतलब गड़बड़ हो जाएगा तो कविता पढ़ के समझ ही नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी तो कविता लिखनी बेकार है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम आम भाषा में एक वाक्य में लिखना है जिससे इसका मतलब सबको आसानी से समझ आ जाए। तो इसने सही लिखा है, इसको कैसे बनाया है देखो, पेड़ खुद धूप सहकर सभी को अपनी छांव देते हैं, सभी को अपनी छांव देते हैं। छांव मतलब छाया। तो इसके अंदर देखो है भी लगाया है तो है नहीं ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से कुछ एक दो शब्द भी जोड़ सकते हैं। जैसे है इसमें जोड़ा है, छां देते हैं, दिख रहा है जोड़ा हुआ है, तो कुछ शब्द हम लोग खुद भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे इसमें है दिख रहा है ना, ये जोड़ा हुआ है। अब हम अपना चलते हैं, अपना करते हैं। को खींचते रहते निरंतर, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। तो इसमें ध्यान से देखो बच्चों, अब इसमें हमें वाक्य बनाना है।
तो इसको लिखेंगे, इसको एक वाक्य में होना चाहिए, दोनों पंक्तियों को मिला के हम लिख सकते हैं, ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं। ठीक है, तो हमने भी हैं बना दिया, हैं बाहर से जोड़ा है, तो इसको लिखते हैं बच्चों। ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं, हम तो लिख ही नहीं सकते इसको। मैं इसको आपको क्लिक करके बता दूंगा, आपको भेज दूंगा, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्या होगा, ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं, कोशिश करें लिखने की। ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं, ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं। पूर्ण विराम, उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, मैं इसको क्लिक करके आपको स्नैप होमवर्क में भी भेज दूंगा, आप इसको ऐसे वीडियो देख के भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्नैप होमवर्क में भी इसको नोट कर सकते हैं। जाएं इनको काटते ही ख, तो हम लोग दूसरे पे चलते हैं, जाएं इनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, जाएं इनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। यार ध्यान से देखो बच्चों, तो हमें वाक्य बनाते समय प्रश्नवाचक चिन्ह का भी ध्यान रखना है। तो हम लोग लिखते हैं इसको, इनको काटते ही जाएंगे तो हमें छां कैसे मिलेगी। इसका उत्तर है, इनको काटते ही जाएंगे, इनको काटते ही जाएंगे तो हमें छां कैसे मिलेगी। इनको काटते ही जाएंगे तो हमें छां कैसे मिलेगी। मिलेगी प्रश्नवाचक चिन्ह, इनको काटते ही जाएंगे तो हमें छां कैसे मिलेगी। इसके बाद हमें डालना है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह, वो लगाएंगे।
आगे चलते हैं। अगला है, और लेने सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी। फिर देखो इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान दिया आपने, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमें लिखते समय ऐसे इसका ध्यान रखना है कि आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो हमें प्रश्न जैसा बनाना है ये वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। और लेने सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी, और लेने सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी। तो इसको लिखते हैं, सांस लेने को हमें, सांस लेने को हमें प्राण वायु कहाँ मिलेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, सांस लेने को हमें प्राण वायु कहाँ मिलेगी, इसके बाद हमें क्या लिखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको लिखना शुरू करते हैं। तो हमने इन दोनों को, और लेने सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी, तो इसको हम एक वाक्य में कैसे लिख सकते हैं जिसका कि आसानी से अर्थ समझ आए। लिखेंगे, सांस लेने को हमें प्राण वायु कहाँ मिलेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। सांस लेने को सांस लेने को हमें प्राण वायु कहाँ मिलेगी। कहाँ मिलेगी नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों, सांस लेने को हमें प्राण वायु कहाँ मिलेगी, हमने किसका बनाया था एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। ये हमारा ग भाग था, ग ग में क्या प्रश्न दिया था, कविता की दो पंक्तियाँ लिखी थी, और लेने सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह था। तो हमने इसका क्या वाक्य बनाया, ध्यान से देखो, सांस लेने को हमें प्राण वायु कहाँ मिलेगी, उसके बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, तो ये हमने बना दिया। ध्यान से देखो, मैं इसको क्लिक भी करूँगा बच्चों, इसको क्लिक करके मैं स्नैप होमवर्क में डाल भी दूंगा, जिसको ऐसे परेशानी हो रही क्योंकि इसमें लिखना पड़ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करके भी आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको स्नैप होमवर्क में देख सकते हो। और किसी बच्चे को डाउट आता है तो ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकता है, जैसे हमने आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपको डाउट हो गया कि अरे ये तो नहीं समझ आ रहा, तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोग उसको ऑनलाइन क्लास में डाउट क्लियर कर लेना है। ठीक है, वीडियो से तो हम लोग देख के पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो डाउट आता है तो डाउट क्लियर करेंगे हम लोग ऑनलाइन क्लास में, तो उसको नोट कर लेना, कोई चीज़ नहीं समझ आया तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको नोट कर लेना, ऑनलाइन क्लास में मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ज़रा भी डाउट हो तो चिंता मत करो, हम लोग ऑनलाइन क्लास में डाउट को क्लियर करेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, हमारा दूसरा प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छां अपनी,
हम इस पंक्ति को इस तरह भी लिख सकते हैं, पेड़ खुद धूप सहकर सभी को छांव देते हैं। ये उदाहरण करके रखा है बुक में, इसी को देख के हमने करना है। तो हमने ये देखा है कि हम इसमें कुछ शब्द भी जोड़ सकते हैं, जैसे हैं जोड़ा है, और हमें वाक्य ऐसे लिखना चाहिए कि वाक्य सरल हो जाए, सिंपल हो जाए, पढ़ने पे जल्दी से समझ आ जाए। सरल का मतलब क्या होता है? आसान हो जाए। कवि ने ऐसे क्यों लिखा है? कवि को कविता के लय का भी ध्यान देना होता है, इसीलिए वो पंक्तियों को, वाक्यों को आगे पीछे करके लिखता है। लेकिन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? सरल कर देते हैं और आसान कर देते हैं कि और जल्दी समझ में आ जाए। तो क का क्या था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, बता देता हूँ, अगर किसी को दोबारा भी देख लेते हैं हम लोग। क खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। तो इसको हमने कैसे सही करके लिखा है? ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं, ये हमारी गंदी हवा निरंतर खींचते रहते हैं। दूसरा ख भाग पे चलते हैं। ख है, जाएं इनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, जाएं इनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे। तो इसमें हमको क्या करना है बच्चों? इसको लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। इनको काटते ही जाएंगे तो हमें छांव कैसे मिलेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। इनको काटते ही जाएंगे तो हमें छांव कैसे मिलेगी। छांव बच्चों क्या होता है? छाया। छाया हमने कर रखा था ना। फिर से एक बार देखो, इनको काटते ही जाएंगे तो हमें छांव कैसे मिलेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। अगले वाले पे चलते हैं, ग पे। ग, और लेने सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी। तो इसको हमें एक वाक्य में बनाना है। ग है, क्या है? और लेने सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको एक वाक्य में बनाएंगे। सांस लेने को हमें प्राण वायु कहाँ मिलेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, सांस लेने को हमें प्राण वायु कहाँ मिलेगी, उसके बाद क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने ये वाला अभ्यास प्रश्न कर लिया बच्चों। अब हम चलेंगे भाषा से। ये भी व्याकरण का भाग है। ये किसका भाग है बच्चों? व्याकरण का है। ध्यान से हम लोग इसका देखते जाते हैं। तो व्याकरण दो जगह है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। व्याकरण हमें दो जगह मिलेगा। एक तो हिंदी व्याकरण दीपिका, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, व्याकरण वाली पुस्तक है, वहाँ भी व्याकरण मिलेगा। और जो पाठ्य पुस्तक खुलते पंख है, उसके भी पीछे जो अभ्यास प्रश्न है, उसमें भी व्याकरण मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। पहला वाला प्रश्न है भाषा से। भाषा से इन चित्रों के दो दो नाम लिखो। पहला वाला चित्र है हमारा, हमने देखा पेड़ है, और दो दो नाम लिखना ज़्यादा है बच्चों, जब इसको समान अर्थ ही बोलते हैं, दोनों का समान अर्थ है, एक ही जैसा अर्थ होगा ना। ये चित्र के जो दो नाम लिखेंगे तो दोनों का अर्थ तो एक ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग आम भाषा में, व्याकरण की भाषा में बोलते हैं समान अर्थी, मतलब इनका अर्थ एक समान है। इसको हम लोग पर्यायवाची भी बोलते हैं। पर्यायवाची का अर्थ भी यही होता है कि एक समान अर्थों वाले शब्द। तो हमें
ये चित्र क्या है, पेड़ का। सबसे आसान हम लोग क्या बोलते हैं, चित्र देखते ही बोलते हैं अरे ये तो पेड़ है, अरे ये तो पौधा है, तो ये तो पेड़ का है, पेड़ का चित्र है, तो हम लोग पहले पेड़ लिखते हैं। तो ये है पेड़। पेड़ को का दूसरा क्या अर्थ होता है, वृक्ष, तरु। तो ये हम लोग वृक्ष लिखते हैं या तरु, दोनों सही है, तो वृक्ष मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान रहेगा। आगे बड़ी क्लासों में बच्चों पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक शब्द के तीन चार नाम होते हैं, ठीक है ना, उसको समान अर्थी भी बोलते हैं। हम अभी दूसरा वाला इसका लिखते हैं वृक्ष, ये ज़्यादा आसान है, सरल है। वह मेरा वृक्ष, ये था पेड़ वृक्ष। अब हम अपने दूसरे पे चलते हैं, दूसरा चित्र देखते हैं ध्यान से। दूसरा चित्र है हमारा बादल, देखा बच्चों ये क्या है, बादल। बादलों की आंख और नाक और मुंह होता है, अच्छा ये कार्टून की तरह बना पिक्चर है, चलो ठीक है, फिर भी हमें समझ तो आ रहा है कि ये बादल है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, बादल लिख सकते हैं, घटा, काले बादलों को घटा भी लिखते हैं बच्चों, घटा, मेघ, बादल, सब सही है, तीनों ही सही है, बादल, घटा, मेघ, हम दो लिखते हैं, बादल हमको आसान लगता है। बादल दूसरा है घटा, बादलों को, काले बादलों को घटा भी कहा जाता है, लिखते हैं हम लोग तो हमारा, हमने लिखा बादल, घटा, मेघ, सबका मतलब एक ही होता है, हमें दो ही लिखने थे। और ये बच्चों ये वाला प्रश्न हम बुक में ही करेंगे, स्पेस बना हुआ है, जगह है, हम लोग इसको बुक में ही करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया एक बार दोहरा लेते हैं, एक बार आज हमने अपने प्रश्न किए थे, कौन कौन से प्रश्न किए थे, हमने मौखिक प्रश्न किया था, मौखिक प्रश्न लिखना नहीं था, केवल समझना था, समझ करके उसको याद रखना था, और बहुत ही आसान थे। और हमें उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने लिखित प्रश्नों को भी याद किया था, ठीक है, हमने नया शब्द भी देखा था कार्बन डाइऑक्साइड, गंदी हवा को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला बुक में भी नहीं दिया था, हमने इसको याद किया है आज। और क्या किया था, हमने इसके लिखित प्रश्न उत्तर, ये हमको नोटबुक में भी लिखना है और बुक में भी, बच्चों ध्यान देना, लिखित वाले प्रश्न जो हैं हमें, ये जो लिखित प्रश्न उत्तर हैं इसको बुक में भी लिखना है, क्योंकि बुक में भी स्पेस दिया है, और नोटबुक में भी, कॉपी में भी लिखना है, तो ये दो बार करेंगे तो हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, आगे चलते हैं, हमने अभ्यास प्रश्न किया, अभ्यास प्रश्न पढ़ो, समझो और लिखो, इसमें कविता के दो अलग अलग पंक्तियों को हमने सरल भाषा में करके एक वाक्य में लिखा, ठीक है, ये बहुत ही आसान था। और फिर क्या किया हमने,
हमने चित्रों के दो दो नाम लिखे। कौन कौन से नाम, कौन कौन चित्र थे? पेड़ और बादल। तो हमने दो दो नाम लिखे, बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कल। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।